मुझे समय देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप भी बहुत व्यस्त हैं और हम भी बहुत व्यस्त हैं, फिर भी परमेश्वर ने मौका दिया कि आप सभी लोग अपना कीमती समय दे रहे हैं, वरन उस परमेश्वर के लिए आप एकत्रित हो रहे हैं उस परमेश्वर की आराधना के लिए। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा दोबारी, क्योंकि आप सभी लोग इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, और आपके लाइक कमेंट के द्वारा हमारा मनोबल भी बढ़ता है। धन्यवाद हो आप सभी का। और एक आशा और है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग जुड़ने पाए इस समय। और आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि देख पा रहा हूँ लोग जुड़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और क्यों ना हम प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे। है स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। इस सुंदर पल मेरे खुदा बने हुआ हम सभी जन आपकी उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं मेरे प्रभु। परमेश्वर जैसे कि आपका कलाम ये कहता है, जहाँ एक या तीन एकत्रित होते हैं प्रभु, वहाँ आपकी पवित्र आत्मा या परमेश्वर आप उपस्थित होते हो मेरे खुदा बने हुआ। समय मेरे प्रभु हम लाइफ के माध्यम से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु। और वैसे ही प्रभु आप उन लोगों पर अपनी आशीषों को ढेले, अपनी पवित्र आत्मा को, अपने अभिषेक को ढेले मेरे खुदा बने हुआ। आप उनको छूए, आप उनके हृदय से बातचीत करिएगा मेरे प्रभु। और वैसे ही मेरे खुदा बने हुआ इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, आप इस कार्य को सफल पूर्वक चलाए मेरे खुदा बने हुआ। प्रभु आप हमारे साथ चलिएगा और हमारी बोली परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तो दृढ़ करना, उनसे आप बातचीत करना मेरे प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। आप सभी का धन्यवाद हो दोबारी। और जैसे कि बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिल रहा हूँ, वैसे खुशी भी बहुत हो रही है। और मैं चाहता हूँ क्यों ना हम वचन की ओर सीधा आगे बढ़ें। आप सभी का धन्यवाद हो दोबारी। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 का वचन 71 के अंदर ये कहता है, बहुत ही सुंदर वचन लिखा है उधर, मतलब सुंदर नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बुरी भी लगेगी, वरन परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखिएगा। मैं चाहूँगा आप खुद भी पढ़ें और आप सभी देखते रहिएगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और जिसे आप शेयर कर सकते हैं उन्हें शेयर करके भी बुलाइए, ताकि वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और वो भी इस परमेश्वर के वचन से आनंदित होने पाए और वो भी इस परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के द्वारा वो भी आशीषित होने पाए। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज मैं पढ़ रहा था डिवोशन के समय भजन संहिता की पुस्तक साम्स 119:71 मैं पढ़ रहा था, अध्याय 119 का वचन 71 में ये कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है जिसमें मैं तेरी विधियों को सीख सका हूँ। हालेलुया। जैसे राजा दाऊद ये बातें कह रहा है कि जैसे कि है परमेश्वर, जो दुख मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सहे हैं, जो परेशानियां मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सहे हैं, वरन परमेश्वर वो मेरे लिए एक सीख ही बनकर आई है। वरन वो जो बातें मैंने आपसे सीखी थी, जो बातें मैं आपने मुझे सिखाई, या जो दुख मेरे जिंदगी में आया, जो फेलियर मैंने फेस करा, उन सभी को देखते हुए मैं कुछ चीजों को सीखा हूँ। वरन परमेश्वर आपकी बातों को मैं और गहराई से जानने पाया हूँ। जैसे कि आप सभी समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे राजा दाऊद ये कहते हैं,
अच्छा हुआ कि दुख हुआ, वह मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका हूँ। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा इसके प्रति। एक गांव के अंदर, एक जैसे कि आपने लकड़हारे के बारे में सुना ही होगा, वैसे ही एक गांव के अंदर एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था। वो पेड़ों को काटता हुआ अपनी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर वो एक घर के अंदर एक स्टोर रूम बना रखा था उसने। उस स्टोर रूम के अंदर वो इकट्ठा कर लेता और हर एक दिन कुछ कुछ लकड़ियां बेचता हुआ उन्हें अपनी जिंदगी गुजार रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ दिन वो लकड़ियां भी नहीं काट पाया, यानी उसे बीमारी हुई। वो बहुत ही उसे इतनी मतलब वो लकड़ियों को भी नहीं काट पाया और ना उसके पास कुछ था बेचने के लिए और उसके घर के अंदर खाने के लिए भी दाना नहीं था। अब दुख इतने बढ़ गए थे उसके पास, उसके बच्चे जितने भी थे वो सारे एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी, वो गुजर चुके थे। वो अकेला व्यक्ति अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब देखना, ये समस्याएं ऐसे बढ़ने लगी, पहले तो वो अच्छा खासा अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा था। डेली जाता, पेड़ काटता और लकड़ियों को इकट्ठा करता और उन्हें बेच देता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। वरन अब उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ी बीमारी, थोड़ी परेशानियां, अब लोग ताना मारने लगे, अब लोग उसे रोकने लगे लकड़ियां काटने से, अब लोग उसे टोकने लगे कि अब तेरी लकड़ियों में वो मजा नहीं, या वो ये वो लकड़ियां नहीं है जो आप पहले लाया करते थे करके अब लोग उसकी लकड़ियों को खरीदने से तिरस्कार कर रहे थे। अब ये व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर दोबारे अपने घर चला गया और ये सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया, या ऐसी कौन सी भूल मेरे से हो गई, या ऐसी विपत्ति कौन सी मेरे जीवन के अंदर आ गई जिसने मेरी, या ऐसा गुजर गए। आज मेरे पास रोजी रोटी नहीं है, आज लोग मुझे इनकारते हैं, मेरा कौन सहायक है, कौन मेरे संग खड़ा रहने वाला है, कौन मेरे साथ चलेगा, कौन मेरे संग रहेगा, ऐसी कुछ बातें उसके जीवन के अंदर या उसके मन के अंदर आने लगी। अब वो व्यक्ति बहुत विचलित होकर उनके बारे में सोचने लगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब ऐसी बातें उसके जीवन के अंदर आने। अब ये व्यक्ति सोचने लगा अब तो कोई सहारा नहीं है, जिससे कि ये भला होगा, बस ये समस्याएं टल जाएंगी क्योंकि मुझे पूछने वाला तो कोई नहीं है, ये देखने वाला तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कारपेंटरी को कोई पसंद, मेरे सामान को कोई पसंद करता है, वरन लोग मुझे तिरस्कार करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, कोई भी इस दुनिया में मेरा नहीं है। ये शब्द सोचते हुए वो आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ा। अब ये व्यक्ति आत्महत्या तो करने के लिए आगे बढ़ा, वरन इसने ये सोचा नहीं कि उसके लिए भी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है, हम कई बार कुछ चीजों को पहचान नहीं पाते जो हमारे लिए भली ही होती है। वरन इस व्यक्ति जब ये आत्महत्या कर रहा था, इसके पास एक और व्यक्ति आया तुरंत। इसे ये कहने लगा मुझे कुछ सामान खरीदना है, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? ये व्यक्ति सोचने लगा कौन है दरवाजे के सामने खटखटा रहा है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस समय मुझे बुला रहा है। सोचता है चलो आखिरी बार इस व्यक्ति से मिल लेता हूँ, इसके बाद मैं आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ूंगा। ये शब्द कहकर वो व्यक्ति रुक गया वहीं पे। मेरे अजीजों, कई बार आप भी अपने जीवन के अंदर दुख हो या समस्या हो आपके जीवन के अंदर आती है, वरन आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरे दुख बहुत बड़े हैं, या मेरी समस्याएं बहुत बड़ी है, या मेरी दिक्कतें बहुत बड़ी है, आज मेरा कार्य बहुत बड़ा कार्य है जिसे मैं करने जा रहा हूँ, पर वो भी असफल हो गया। वरन क्यों मेरी जिंदगी में ऐसी असफलताएं आ रही हैं? वरन आपसे मैं ये चाहता हूँ,
आप संपूर्ण मन से इस परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके कार्य को सफल करने वाला परमेश्वर है। काश अगर वो व्यक्ति उसके जिंदगी की जीवन के अंदर नहीं आता, आज वो व्यक्ति आत्महत्या कर चुका होता। कई बार ये शब्द मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि कई बार हम भी दुखों को या समस्याओं को देखकर, लोगों के ताने मारने के तरीके को देखकर, या लोग हमें चिड़चिड़ाना, लोगों का हमें चिड़चिड़ापन हो जाना, या फिर हमारे कार्य असफल हो जाने से हम परमेश्वर के विपरीत में हो जाते हैं। पर जैसे कहते हैं ना, कोई भी हम गेम खेलते हैं तो उसके अंदर हर एक लेवल होता है, उसे लेवल वाइज पार करना होता है। पहले छोटा लेवल होता है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा लेवल होता है। याद रखना, जब आपकी एक समस्या खत्म हो गई है तो उससे बढ़कर एक और समस्या आपके लिए खड़ी है। क्या आप संपूर्ण मन से उस समस्या को फेस करने के लिए तैयार हैं? जब आप तैयार होंगे तो याद रखना, वो समस्या आपके सामने बहुत छोटी हो जाएगी। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो अपने कार्य के, अपने लाइफ को लेकर बहुत ही उदास था। उसके भी जीवन के अंदर बहुत दुख आए, उसके भी जीवन के अंदर बहुत समस्याएं आए, वरन उसने उन समस्याओं को एक चैलेंज के तौर पर अपनाया। वो हार नहीं माना। वो एक गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, एक फार्मर था, उसके पिताजी गुजर गए थे, फिर भी वो लड़का मेहनत करता और अपनी अपने घर को चला रहा था। बहुत छोटा लड़का था, 12 साल की उसकी उम्र थी, उसकी छोटी सी बहन भी थी। वो चाहता था कि मेरी उम्र तो 12 साल है, क्यों ना मैं नौकरी कर अपनी बहन को क्यों ना आगे बढ़ाऊँ, उसे मैं बढ़ाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। वो 12 साल का व्यक्ति, मतलब बच्चा, वो अपने फ्यूचर को लेकर सोच में पड़ गया कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर कार्य को करूँ। पर पता है, उसकी माता उससे कहने लगी, है मेरे बेटे, क्या हो गया जो तू इतना उदास और इतना मायूस होकर बैठा हुआ है? वो कहने लगा, मम्मी आप इतना आप घर में बर्तन धोते हो और आप लोगों के घरों में जाकर काम करते हो, मैं ये सब नहीं देख सकता, वरन मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद पैसा कमा के लाऊं जिससे कि घर के अंदर सहायता हो जाएगी, और ये चाहूँगा कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, वरन मेरी बहन एक अच्छे स्कूल के अंदर या एक अच्छी पढ़ाई को अपना नहीं पाए। देख रहे हो, ये छोटी सी सोच उस बच्चे की सोच है, जो छोटा सा बच्चा 12 साल का है, जहाँ खेल कूद करा करते हैं मौज मस्ती की जिंदगी के अंदर, वो बच्चा अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ रहा था। जहाँ बाकी लोग क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में अपनी जिंदगियाँ बिता रहे हैं या छोटी मोटी क्लासों के अंदर थे, वरन ये लड़का अपने परिवार को लेकर बहुत ही उदास था। ये अकेला व्यक्ति, एक अकेला लड़का था अपने पूरे परिवार के अंदर, जिसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना था। अब इसके जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज था इसके पास। अब इसने ये ठान लिया कि बहुत बड़ा लेवल पे ऊंचा खड़ा करूंगा ताकि या मैं असफल हो गई या मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था। ये छोटे से बच्चे की सोच है, याद रखना। इस बच्चे ने अपने आप को एक चैलेंज कर लिया कि मुझे अर्निंग करनी है अपने फैमिली के लिए। I have to earn for my family and I have to give my 100% to my family. Whatever I have to do, I have to do. उसने निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। अभी छोटा सा लड़का निकल पड़ा अपनी जिंदगी को लेकर, छोटे छोटे सपने उसके पास थे अपने परिवार को लेकर, उसकी माता बुजुर्ग थी, अब उसके पास सपने तो हैं, पर इसके पास कुछ करने के लिए कार्य नहीं था। अभी एक दुकान के पास गया, उस दुकान वाले ने उसे इनकार दिया, दूसरी दुकान के पास गया, उसने इनकार दिया। अभी एक जगह उसे एक कारपेंट्री का काम मिला, जहाँ पर उसे कुछ $10-20 मिला करते थे हफ्ते के।
से एक दो हफ्ते की खाने के लिए गुजारा हो जाता था उस बच्चे के लिए और उस परिवार के लिए, वरन उसकी बहन को पढ़ाने के लिए अब भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी वो लड़का एक आशा लेकर, ये था कि अपनी बहन को पढ़ाना है मुझे, वरन एक फ्यूचर मुझे मैं नहीं पा पाया, वरन मैं उसे चाहता हूँ कि देख रहे हो वो 12 साल की उम्र के अंदर उसके पास ये सोच थी। फिर भी वो हार नहीं माना। जब वो 18 साल का हो गया तो उसकी सैलरी पता है कितनी थी? अब भी उसकी सैलरी $35 थी। अब भी वो उसी दुकान पे काम कर रहा था और आज भी उसकी बहन एक छोटे से स्कूल के अंदर पढ़ रही थी और उसके परिवार का खाना मुश्किल से 2-3 वक्त का चल जाता था, 2 वक्त का रोटी मिल जाती थी उसे। अब भी मुश्किलें उसके पास थी, अब भी समस्या उसके पास थी। पहले $10-20 कमाने वाला था, अब $35 कमा रहा है। फिर भी उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब उसने सोचा क्यों ना मैं इस जॉब को छोड़ दूं और मैं क्यों ना आगे कार्य करूं। अब धीरे धीरे उसकी उम्र पता है कितने साल की हो गई, अब वो 24 वर्ष का हो चुका था और आज उसकी नौकरी पता है कहाँ पर है? एक अंदाजा लगाइए आज वो क्या है। आज उसकी खुद की उस लड़के ने ये निश्चय कर लिया क्या असफल नहीं है। असफलता तो हर किसी के जीवन में आती है, बस निर्भय ये करता है कि आप उस सफलता को पा सकते हो, क्या आप उस जीत को पा सकते हो, क्या आप हार गए या फिर कुछ नहीं हुआ, वो कार्य सफल नहीं हुआ तो क्या आप उदास होकर बैठ जाओगे? वरन मैं ये चाहता हूँ कि आप लड़ना सीखें, वरन मैं ये चाहता हूँ उन गलतियों से आप सीखे, वरन मैं ये चाहता हूँ उस हार से आप एक और दृढ़ होना और उसे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना सीखे, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। जैसे राजा दाऊद ये कहता है, अच्छा हुआ कि मेरी जिंदगी के अंदर वो दुख आए, क्योंकि जिससे मैं तेरी विधियों को समझ नहीं पाया, तेरे वचनों को समझ नहीं पाया, जिससे कि मैं तेरे और नजदीक ही में आ गया प्रभु। पर आपकी जिंदगी के अंदर समस्या है तो आज आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखे, वरन परमेश्वर पे भरोसा करें कि वो परमेश्वर मुझे आगे ले जाएगा। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके परिवार के सदस्य मर चुके थे एक एक्सीडेंट के अंदर, अकेला बच्चा था। एक होटल के अंदर वो काम करा करता था। अब उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारो, अपना फ्यूचर कैसे गुजारो, पर उसे परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। वो धीरे धीरे कर परमेश्वर पे और विश्वास करने लगा, प्रार्थना का जीवन उसका दृढ़ होने लगा, वो उसी होटल के अंदर काम करने लगा। और वो ये पता है क्या हुआ, वो एक इवेंजलिस्ट बना। और उसने ये निश्चय कर लिया था कि है परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या मेरी जिंदगी के अंदर हो, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें मेरी जिंदगी के अंदर हो, मैं आपका प्रचार या आपके नाम को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, वरन आपके नाम का मैं सुसमाचार हर वक्त बताता रहूंगा चाहे कोई से भी परिस्थिति हो। उसकी परिस्थिति और गंभीर होने लगी। उसके पास खाने के लिए दाना नहीं था, उसके पास जीने के लिए घर नहीं था, उसके रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं था, फिर भी उसके मन के अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे एक और लाइफ दिया है, एक और मौका दिया है मुझे जीने के लिए, मैं उसके नाम को कभी नहीं छोड़ सकता। उसने पता क्या करा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो एक लौता ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे वर्ल्ड को घूम चुका था और वो भी कम समय के अंदर।
मेरे अजीजों, क्या नहीं हो सकता यदि आप निश्चय कर ले, यदि आप अपने आप को दृढ़ कर ले, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। निश्चय आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या आप कुछ चीजों से सीख रहे हो या नहीं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, और वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वरन आपके ऊपर निर्भर है आप अपने आप को दृढ़ कर रहे हो या नहीं। हर एक पढ़ाव या हर एक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है, वरन वो परमेश्वर के लिए नहीं है। आपके लिए वो दिक्कतें बहुत बड़ी हो सकती हैं, वरन वो परमेश्वर के लिए ही। वो बीमारी आपके लिए बड़ी हो सकती है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है। आप उस परमेश्वर पे भरोसा तो करके देखें, क्या वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, क्या वो आपकी दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता, क्या वो नहीं देख रहा आपकी समस्याओं को। वरन वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा मुझसे मांगेगा, या कब वो मुझसे प्रार्थना करेगा कि मैं उसे चेचाई दूं, कब मैं उसे आशीष दूं। मेरे अजीजों, अपने आप को दृढ़ करिएगा, परंतु संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपके संग हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। अगर ये कुछ व्यक्ति या ये कुछ लोग अगर ये ठान लेते हैं कि हमारी जिंदगी से तो कुछ नहीं हुआ, हमारे अपने छोड़ गए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जीने के लिए, अगर ये हार मान लेते हैं तो आज इनकी अपनी कंपनी नहीं होती, इन्होंने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा होता, आज ये भी किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते, दो वक्त या एक वक्त की रोटी खा रहे होते, वर इन्होंने ये नहीं। इन्होंने अपने आप को एक चैलेंज करा, इन्होंने अपने आप में एक गोल बनाया कि मैं हर दिन और दृढ़ होता जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं टूट सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरे अजीजों, राजा दाऊद ये सोच लेता जब उसके सामने गुलियात खड़ा था कि उससे शक्तिशाली है ये, तो मुझसे भी बड़ा बलवंत है, ये चाहे तो मुझे यूं फूंक मार के गिरा देगा, वरन नहीं। राजा दाऊद ये देख रहा था कि गुलियात के पीछे मेरा परमेश्वर खड़ा है, अरे मेरा परमेश्वर तो इस गुलियात से बड़ा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा। असंभव कुछ भी नहीं है, असफलता तो एक सीख है, आपको सीखने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को दृढ़ करें, उस परमेश्वर के अंदर और दृढ़ बने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर विराजमान परमेश्वर एक छोटी सी प्रार्थना मैं करता हूँ। मेरे प्रभु, उन्हें दे परमेश्वर इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करिएगा मेरे प्रभु, हर एक जन को आप छुइएगा मेरे प्रभु, इस वक्त इस समय लाइव देखने वाले प्रभु, उन्हें दे परमेश्वर वो अपने आप को दृढ़ करने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज समस्याएं बड़ी हैं, आज दिक्कतें बड़ी हैं, आज बीमारियां बड़ी है प्रभु, वरन परमेश्वर आप अपनी बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन दिक्कतों से बड़े हैं मेरे खुदा ने। परमेश्वर आपका कलाम ये कहता है, आप प्रार्थना से परमेश्वर बंधन टूट जाते हैं मेरे खुदा ने, दीवारें टूट जाती हैं मेरे प्रभु। कितनी भी बड़ी समस्या हो परमेश्वर, उसका हल मिल जाता है आपके वचनों के द्वारा प्रभु, ये लोग समझने पाए मेरे खुदा ने। परमेश्वर लोगों का आत्मिक जीवन दृढ़ होने पाए प्रभु, वो आपके अंदर और दृढ़ उन्हें दे परमेश्वर। आप सभी को आशीषित करें प्रभु, आप हर लोगों को छूए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आशा रखता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और बहुत लोगों ने कमेंट भी करे हैं, धन्यवाद हो आप सभी का, और वैसे पढ़ने में टाइम लगेगा। थैंक यू, आप सभी को जय मसीह की, और चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें ताकि और भी लोग चुनने पाए और भी लोग आशीषित हों।